थाना रिफाइनरी क्षेत्र के अंतर्गत गांव छड़गांव में खेतों से होकर गुजर रही 11 केवी की लाइन का तार टूटने से खेतों में खड़ी 12 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची रिफाइनरी पुलिस ने तत्काल प्रभाव से विद्युत विभाग की लाइन कटवाकर मथुरा रिफाइनरी की फायर सर्विस और यूपी फायर सर्विस को आग की सूचना दी। सूचना मिलते ही मथुरा रिफाइनरी की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और आग को बुझाने के कार्य में दमकल कर्मी जुट गए। थाना रिफाइनरी पुलिस और मथुरा रिफाइनरी फायर सर्विस की सजगता के चलते आग पर समय से ही काबू पा लिया गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से चारों तरफ खेतों में आग की लपटें फैलने लगी। पास ही में सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल अलग अलग खेतों में लांघ कूटने के लिए इकट्ठा की हुई थी। अगर आग की लपटों में इकट्ठा हुई फसल आ जाती तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता था। जिन किसानों की फसल जलकर राख हो गई, उन किसानों के नाम रामपाल, रामकिशन, बिट्टू, सौदान, ऊषा देवी हैं। इन सभी किसानों की 12 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? शिवचरण तोमर, छड़गांव प्रधान। छड़गांव में 10 से 12 बीघे फसल जलकर राख हो गई है, क्या कारण रहे आग लगने का? कारण ये है, वो तार टूटा है, इसका कहते हैं 11,000 इसका वोल्टेज का। प्रधान जी, जगह जगह आप सुनने में आ रहा है कि जगह जगह आपने देखा भी होगा, आए तीसरे दिन किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, जगह जगह आग भी लग रही है खेतों में, और कारण जो रह रहे हैं उनके विद्युत विभाग का कारण रह रहा है जी, लाइन टूटने का, कहीं शॉर्ट सर्किट का। तो किसान 10-12 बीघे जो फसल जलकर राख हुई है, सुनने में आया कि वो कुछ लीज पर भी उन्होंने खेत ले रखा था जी, क्या आप सरकार से वो करेंगे किसानों के लिए? हाँ करेंगे, और कहते हैं बड़े किसान बड़े आक्रोशित हैं, बड़े कहते हैं परेशान हैं, दुखी हैं बेचारी। ये तो इसका जो जलाए तो विधवा है, बहुत गरीब है, इसका कोई कमाने वाला नहीं है, और इसे कम से करीब करीब 6 बीघा तो इसकी जमीन जली है जी। और 10 से 12 बीघा जमीन है पूरी, 10 से 12 बीघा खड़ी फसल हम पूरी मांग लगी है। ये सरकार से हम यही गुहार करेंगे कि इनका कहते हैं इनको जल्द से ज़्यादा जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा इनका मुआवजा दिलाया जाए, और इनको बच्चों के लिए इनके लिए परवरिश के लिए इनको शांति मिले। और अपना दुख तो हुआ है भैया सबको, पूरे गांव ने कोशिश की है, पूरे गांव ने दम लगा के आग पर खाऊ पाया है, नहीं और कम से कम आज 100 बीघा कम से कम आज जलती है। देखने में आ रहा है कि पास में लाश इकट्ठे हुए रखे हुए हैं, अगर समय पे अगर आग पे काबू नहीं पाया जाता जी तो एक बड़ा हादसा हो सकता है जी सर। जी जी जी, कम से कम 100 बीघा जमीन जलने का आसार थे। ये तो गांव वाले ने सबने आकर के बड़ी मेहनत से नहर बराबर में नहर से पानी ला करके नहर इस पर आग पर काबू पाया है। फिर IOC रिफाइनरी से अभी गाड़ी आई है, मथुरा से भी आई है, उसने भी गाड़ी आज बुझाई है, और पुलिस की बहुत बड़ी हेल्प मिली है आज। पुलिस यहाँ मौके पर थी, पुलिस ने ही फ़ोन किया है उसको गाड़ी को। मेरा नाम ऊषा है। ऊषा देवी जी, आपकी यहाँ फसल? फसल खड़ी हुई थी खेत में, अभी कटी नहीं थी जी। और उसमें आग पड़ गई, जलते जलते आ गई, आग पड़ गई, हम तो घर से आ रहे थे और पुलिस की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई मिली थी हमें। तो सूचना आपको कैसे मिली? हमको कैसे भी नहीं मिली, हम तो पल्ली पार खेत पर जा रहे थे जी, लांग इकट्ठो करवे का, और ये फसल हमारी खड़ी हुई थी। किस चीज से लगी आग? आग तार से लगी, तार टूटने की वजह से आग लगी है। 10-12 बीघे फसल जलकर राख हो गई, 2 से 3 बीघे फसल हाँ आपकी है। आपकी है।